सो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि BTS का कॉन्सर्ट इंडिया में कब होगा एंड BTS के कॉन्सर्ट के टिकट का प्राइस कितना है. ओके, सो उस वीडियो में आप में से एक क्यूटी पाई ने मुझे कमेंट किया था कि दी मुझे ये बताओ कि BTS का इंडिया में कितने फैंस हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमारे इंडिया में भी BTS आर्मीज बहुत ज़्यादा हो गए. सो BTS को इंडिया आना ही चाहिए एंड इस डेट को BTS इंडिया आ सकते हैं. तो गाइस, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आप देख सकते हैं या आप पहले भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. ओके, सो यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 10 कंट्रीज के बारे में जिन कंट्रीज में BTS के सबसे ज़्यादा आर्मी है. ओके, सो मैं टॉप 10 से 1 तक बताऊंगी आपको एंड मैं ये आपको विद प्रूफ बताऊंगी, ये जो यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी. अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़, क्योंकि आप लोग मुझे कॉमेंट पहले ही देख करने लग जाते हो, वीडियो आप फुल देखते नहीं हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिलता नहीं है एंड आप कन्फ्यूज़ होकर मुझे कॉमेंट करते हो, तो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकती ना. तो सबसे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद ही आपको कमेंट करना है. सो हेलो गाइस एंड माय क्यूट गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है. एंड यस, आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए. तो गाइस, इस वीडियो में जो भी बात होगा विद प्रूफ बात होगा, मैं आपको जो भी बताऊंगी वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी. आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हो उसको कहीं पे भी, है ना, जहाँ पे मैं आप जो बताऊंगी वो. तो गाइस, अगर हम फेब 2021 की बात कर रहे तो BTS, जिसको कि हम बैंगटन बॉयज, है ना, के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी जो आर्मीज है सबसे ज़्यादा, उनके जो वीडियोस हैं कौन सी देश में देखा गया, इस पे हम बात कर लेंगे. या हम कह लें कि सबसे ज़्यादा व्यू BTS के वीडियोस पे कौन से देश के लोगों ने देखा, कौन से देश से आया. तो गाइस, अगर हम पास्ट ईयर्स की बात कर रहे हैं तो जापान इस नंबर में सबसे आगे था. यस, जापान हमेशा सबसे ज़्यादा केपॉप वीडियोस देखता था, केपॉप सॉन्ग्स सुनता था, बट अब ये चीज़ें कुछ चेंज हो गई है. तो अगर हम पास्ट कुछ ईयर्स की बात कर रहे हैं तो जापान में कुल कितने व्यूअर्स थे, मैं आपको बताती हूँ. 148 मिलियन व्यूज़ जापान से आते थे केपॉप वीडियोज, BTS हो गया, एक्सो हो गया, सभी वीडियोज पे, मोस्टली BTS पे 148 मिलियन व्यूज़ जापान से आते थे. एंड गाइस, अगर हम इंडोनेशिया की बात कर लें तो 82.8 मिलियन व्यूज़ इंडोनेशियन कंट्रीज से आते थे. तो ये मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रही हूँ. ओके, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं. तो गाइस, मैं और देशों के बारे में बताने से पहले, जापान इसके अलावा जो देश है, मतलब आपको पहले मैं ये बताऊंगी कि टॉप 10 कंट्रीज़ में क्या इंडिया आता है या नहीं. ओके, एंड लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से अगर कोई न्यू है जिसको नहीं पता कि BTS कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि BTS एक केपॉप बैंड ग्रुप है, 7 मेंबर्स के, यू नो, बैंड ग्रुप है इनमें. एंड 7 मेंबर्स, कोई खुद ही वो अपना सॉन्ग लिखते हैं, खुद ही वो अपने सॉन्ग को कोरियोग्राफ करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं. एंड वो जो सॉन्ग्स बनाते हैं, वो सॉन्ग्स हमेशा लोगों को एम्पावर करता है. एंड इन 7 मेंबर्स के जो वॉइस है इतने ज़्यादा एंजेलिक है कि आप अगर सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे. तो जो हमारी आर्मीज़ है उनको तो कुछ बताने की नीड ही नहीं है, लेकिन अगर कोई न्यू पर्सन है जो कि इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको जानने की नीड है. तो ये जो 7 मेंबर्स है, इनमें डांसर है जो आप देखेंगे तो जंगकुक बहुत अच्छे डांसर हैं, जिमिन, जेहोप. ओके, एंड आप देखेंगे तो वी की वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है, जिमिन की वॉइस बहुत ज़्यादा, यू नो, एंजेलिस्टिक है. एंड यू नो, ये लोग मेन वोकलिस्ट भी है, सिंगर भी है, सॉन्ग राइटर भी है. एंड RM, जो कि इस ग्रुप के लीडर है, जिसको हम रैप मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम नामजून है, वो बहुत अच्छी रैपिंग करते हैं. शुगा भी बहुत अच्छे रैपर है. बॉय बैंड 2013 में इनका डेब्यूट हुआ था. अगर आप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं BTS के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने के, तो वो बस एक ही है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. एंड उनको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो उनकी म्यूज़िक की वजह से मिली है, क्योंकि उनका म्यूज़िक बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग है. अगर आप BTS के म्यूज़िक सुनते हैं तो आप उस म्यूज़िक से खुद को कनेक्टेड पाएंगे. BTS बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे म्यूज़िक बनाते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ एंड कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, इन यू नो कॉन्ट्रास्ट टू द टिपिकल के पॉप सॉन्ग्स, जो कि आई थिंक बहुत कम के पॉप ग्रुप बनाते हैं ऐसे सॉन्ग्स.
गाइस अब मैं आपको टॉप कंट्रीज बता देती हूँ जहाँ पे BTS के सबसे ज़्यादा फैंस हैं। तो नंबर 10 पे है मलेशिया, वहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियोस पे 23.4 मिलियन जो व्यूज़ आते हैं वो आते हैं मलेशियन आर्मीज़ की तरफ से। 9th नंबर पे है थाईलैंड, यस 37.4 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब चैनल पे जो BTS के आते हैं वो आता है थाईलैंड से। उसके बाद 8वें नंबर पे है ब्राज़ील, 49.6 मिलियन व्यूज़ ब्राज़ील से आता है। उसके बाद 7वें नंबर पे है साउथ कोरिया, 51.8 मिलियन व्यूज़ साउथ कोरिया से आता है। ओके 6ठे नंबर पे है मैक्सिको, 60.7 मिलियन व्यूज़, मतलब 60.7 मिलियन व्यूज़ मैक्सिको से आता है। उसके बाद 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे है फिलीपींस। गाइस BTS के वीडियोस पे फिलीपींस के जो व्यूज़ आते हैं फिलीपींस के आर्मी के वो आते हैं 64.6 मिलियन। 4ठे नंबर पे है US, US से जो BTS के वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं वो आते हैं 66.5 मिलियन व्यूज़। एंड गाइस अपने आप पे आप लोग प्राउड फील करो क्योंकि 3rd नंबर पे है इंडिया, यस 3rd नंबर पे है इंडिया। एंड इंडिया से जो व्यूज़ जाते हैं BTS की वीडियो पे वो है 74.3 मिलियन, जो कि एक बिग अमाउंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन आर्मीज, आप लोगों ने साबित कर दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है और पीछे नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया, यस इंडोनेशिया में से जो व्यूज़ आते हैं वो आते हैं 82.8 मिलियन, 82.8 मिलियन व्यूज़ इंडोनेशिया से आते हैं। एंड फर्स्ट नंबर पे है जापान, जापान में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है BTS के सॉन्ग्स एंड यू नो हर चीज़ का। तो आप जापान के जो व्यूज़ आते हैं वो 148 मिलियन व्यूज़ आते हैं, 148 मिलियन व्यूज़, जो कि वेरी ह्यूज अमाउंट है। बट यहाँ पे हमें सैड होने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा इंडिया 3rd नंबर पे है, बहुत जल्दी ये फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगा क्योंकि अभी से कुछ सालों पहले तक इंडिया का तो पता ही नहीं था, के पॉप को इंडिया जानता ही नहीं था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गाइस ये विद प्रूफ है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके अच्छे से सर्च कर लो, हमारा इंडिया 3rd नंबर पे है। तो आई विश कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे भी बहुत खुशी हुई इस वीडियो को बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।